हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, व्हेन एवर यू वॉचिंग। तो आइए आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं आज एक नया पेस्ट ऑफ कॉटन जिसका नाम है रेड कॉटन बग। जो रेड कॉटन बग है वो ऑलमोस्ट इंडिया के अंदर किन किन जगह पे पाई जाती है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है या उसकी सिस्टमेटिक पोजिशन क्या है, तो आइए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो रेड कॉटन बग है उसका जो साइंटिफिक नेम है डिसड्रेकस सिंगुलेटस और या फिर इनको कोनेजी बोलते हैं। डिसड्रेकस सिंगुलेटस के अलावा इसका दूसरा नाम हो जाएगा कोनेजी। इसके अलावा इसकी जो सिस्टेमेटिक पोजीशन है, सबसे पहले क्लास को देखें तो इंसेक्टा आ जाएगी, ऑर्डर को देखें तो हेमीपेट्रा आ जाएगी, फैमिली को देखें तो पायरोकोरिडाई ये आ जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर अगर मैं बात करूं, इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑल ओवर इंडिया में है, हर जगह पे, मेनली इन महाराष्ट्र, इसके अलावा तमिलनाडु हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड बिहार, ये सारे इसके डिस्ट्रीब्यूशन के स्टेट रहेंगे। इसके अलावा होस्ट प्लांट, किन किन होस्ट प्लांट्स के ऊपर जो रेड कॉटन बग है अपना लाइफ स्पान स्पेंड करती है, अपने लाइफ स्पान को सेंड करने के लिए मेनली इसके पास कॉटन प्लांट होता है, उसको ही अपना होस्ट मानती है। इसके अलावा भी अल्टरनेट होस्ट हो सकते हैं, जैसे कि मेज है, लेडीज फिंगर है या होली हॉक्स है, ये इसके अदर अल्टरनेट होस्ट प्लांट है। जर्नल अपीयरेंस कैसा दिखेगा, जो कॉटन बग है अबाउट 16 mm लेंथ का होगा एंड इट रेड इन कलर, कलर का रेड होगा। इट हैज ब्लैक मार्क्स ऑन फोर विंग्स के ऊपर इसके ब्लैक पैचेस, ब्लैक मार्क्स मिलेंगे एंड वाइट बैंड्स ऑन द एब्डोमन, इसकी एब्डोमन के ऊपर वाइट मार्क मिलेंगे। और इसके अलावा इट हैज पिसरिंग एंड सकिंग टाइप माउथ पार्ट्स, इसके जो माउथ पार्ट होते हैं पिसरिंग एंड सकिंग टाइप के होते हैं, जिससे ये कॉटन को बिल्कुल मतलब डैमेज करने में कोई कसर नहीं छोड़ता, कॉटन को डैमेज करेगा और इसकी डैमेजिंग स्टेज आ जाएगी आगे धीरे धीरे। अब इसकी जर्नल अपीयरेंस के बाद हम इसकी हैबिट की बात कर देखें, तो सबसे पहले हैबिट्स के अंदर दीज इंसेक्ट आर एक्टिव ड्यूरिंग डे, एक पहला इंसेक्ट ऐसा पढ़ रहे हैं जो डे के दौरान एक्टिव है, नहीं तो सारे के सारे हमने नॉक्टर्नल पढ़े हैं। अब इसके अंदर जो पेस्ट है वो फीड करेगा ग्रीग्रेशली एंड सक सेल सैप ऑफ प्लांट, प्लांट के सेल सैप को शक करेगा। क्यों शक करेगा, क्योंकि इसके माउथ पार्ट कैसे थे, पिसरिंग एंड सकिंग टाइप के थे। अब इसके अंदर लाइफ साइकिल रेड कॉटन बग की ब्रीड करेगा अगस्त टू नवंबर, नवंबर और अगस्त के दौरान ये ब्रीड करता है कॉटन प्लांट के ऊपर और हाइबरनेट भी कर जाता है, कहाँ से कहाँ तक, दिसंबर से मार्च तक ये हाइबरनेट कर जाता है और या फिर रहने लग जाएगा लेडीज फिंगर के ऊपर, इसके ऊपर ये रह के अपने लाइफ स्पान को स्पेंड करेगा अप्रैल टू जुलाई तक। अगर इसके लाइफ स्पान के अंदर मैं इसकी लाइफ साइकिल के अंदर कुछ एक स्टेजेस आती हैं उनकी बात करूं, सबसे पहली स्टेज है एग, जो फीमेल है वो एग को लेइंग करेगी 70-80 एग क्लस्टर की फॉर्म के अंदर देगी मोइस्ट सोइल के अंदर एग ये प्रोड्यूस कर दिए जाएंगे। और एग कैसे होंगे, एग का नेचर देख लो, स्फेरिकल येलो एंड 1.2 mm इन लेंथ में स्फेरिकल होंगे, येलो होंगे और 1.2 mm के होंगे। निम्फ एग के बाद दूसरी स्टेज आ जाएगी निम्फ, क्योंकि इसके अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में निम्फ सबसे पहले आएगा आफ्टर इनक्यूबेशन ऑफ 7 days, 7 days के बाद जैसे ही एग आता है, एग के 7 days के बाद ये स्टेज आती है निम्फ। हैच इन 1 mm, 1 mm के लॉन्ग एंड रेड कलर निम्फ के अंदर ये चेंज हो जाता है और जो निम्फ है बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि अडल्ट के जैसा हो, बट उसके अंदर एक डिफरेंस होता है। निम्फ आर सिमिलर टू अडल्ट, एक्सेप्शन रहेगी लैकिंग ऑफ विंग्स, निम्फ के अंदर सिर्फ विंग्स नहीं होते, इसकी एक्सेप्शन होगी, बाकी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा दिखता है जैसे कि अडल्ट हो। द निम्फ आर ऑल्सो ग्रीग्रेरियस फीडर, ग्रीग्रेरियस फीडर का मतलब है कि जो भी मतलब प्लांट है उनके पार्ट को ये सक करता है, सेल सैप को ख़त्म कर देता है या डैमेज कर देता है प्लांट की, ग्रीग्रेरियस फीडर का मतलब कि सेल सैप को डैमेज करना ही स्टार्ट कर देगा। द निम्फ पीरियड लास्ट फॉर
42 से 49 डेज के अंडर रहेगा और अंडरगो 5 मोल्ड्स. 5 मोल्ड्स होंगे देन ये जाके नेक्स्ट स्टेज के अंदर चेंज हो. नेक्स्ट स्टेज इसकी आ जाती है अडल्ट. जो अडल्ट है ये जब निम्फ अडल्ट के अंदर चेंज होता है तब इसके विंग डेवलप हो जाते हैं. और विंग कैसे हमने पढ़े, इसकी एब्डोमन के ऊपर वाइट पेचेस भी मिलते हैं. द लाइफ स्पान ऑफ अडल्ट इज अबाउट 3 मंथ. 3 मंथ की इसकी लाइफ स्पान हो गई. अब इसके अंदर एक चीज खास ये देखने को मिलती है कि 3 मंथ की लाइफ स्पान होने के बावजूद भी ये 1 ईयर के अंदर 5 या 4 जनरेशन कंप्लीट कर लेता है. 5 या 4, ठीक है, 4 से 5 हम लिख सकते हैं. अब इसके अंदर देखो डैमेज, ये डैमेज कोज करेगा बाय द अडल्ट एंड निम्फ. निम्फ और अडल्ट दोनों ही डैमेज करते हैं क्योंकि दोनों के माउथ पार्ट सकिंग एंड पिसरिंग टाइप के होते हैं. बाय सकिंग द सेल सैप ऑफ प्लांट एंड बोल्स, बोल्स के अंदर से सेल सैप को सक करेंगे, प्लांट्स की बोल्स के अंदर से या लीफ के अंदर से, जो प्लांट को डेड करने का काम करेगी या फिर लिंट की क्वालिटी को रिड्यूस कर देगी. द बोल्स आर ऑल्सो स्टेन्ड, जो बोल्स हैं वो स्टेन्ड हो जाती हैं. लिंट होता है वो पुअर क्वालिटी का बन जाता है और वेरी लेस ऑयल इज एक्सट्रेटेड फ्रॉम द सीड. जो इसके सीड होते हैं वो बहुत ही कम ऑयल कंटेंट देते हैं, बहुत ही माइन्यूट क्वालिटी का, बहुत ही कम. देन द डिस्ट्रॉय द जनरेटिंग पावर ऑफ द सीड, सीड की जनरेशन यानी कि जर्मिनेटिंग पावर है उसको भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं ताकि सीड ग्रो कर ही ना सके. दे ऑल्सो इंजेक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन टू द बोल, बोल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंजेक्ट कर देंगे जो कि क्या कोज करेगा, रेड स्टेन का कोज करेगा कॉटन फाइबर के ऊपर और जो कॉटन की क्वालिटी है वो इम्प्योर हो जाएगी. या फिर इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि जो कॉटन की क्वालिटी है वेरी मतलब बैड बन जाएगी, बैड क्वालिटी का कॉटन बन जाएगा, उसके ऊपर स्टेन आ जाएंगे जिसका यूज करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, डिफिकल्टीज आती है. दिस बग इज ऑल्सो नोन एज रेड स्टेनिंग, रेड कॉटन स्टेनर, रेड कॉटन स्टेनर भी बोला जाता है इसको, कॉटन के ऊपर रेड रेड कलर के स्टेन दे देती है. क्रशिंग, जब इनको मशीनों के अंदर डाला जाता है कॉटन को, क्रशिंग ऑफ एक्सक्रीटा एंड बॉडीज ऑफ बग इन फैक्ट्रीज में ऑल्सो स्टेन द लिंट, लिंट को स्टेन कर देती है जिसके कारण लिंट की जो हम बोल सकते हैं क्वालिटी है वो बेकार होने लगती है, बैड होने लगती है, ठीक है, इम्प्योर होने लगती है. यही कारण है कि इसके कारण किस तरीके से डैमेज करते हैं रेड को. इसको फार्मर्स कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, खेतों के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर इंक्रीज हो गया है तो सबसे पहले तो इंसेक्ट को कैच करना चाहिए और मैनुअली उसको किल कर देना चाहिए, मैनुअली किल्ड कर देना चाहिए, प्लांट को ही जला देना चाहिए. इसके अलावा अगर फील्ड शुड बी प्लफ्ड प्रॉपरली टू किल एग, जो फील्ड है उसको प्रॉपरली प्लफ करेंगे तभी जाके ये किल हो सकते हैं. इनके एग है, लार्वा है, सोयल के अंदर पड़े रहते हैं तो वहाँ पे इनको किल करना ज़रूरी है. इन्फेस्टेड, पॉइंट नंबर 3, इन्फेस्टेड प्लांट मे बी शेकन इन वाटर टू किल इंसेक्ट. इन्फेस्टेड प्लांट को शेकन कर दिया जाए वाटर के अंदर ताकि वहाँ पे जो इंसेक्ट्स हैं वो किल हो जाएं वाटर के अंदर. पॉइंट नंबर 4, 10% BHC मस्ट बी स्प्रेड एट रेट ऑफ 25 kg पर एकर हेक्टेयर. एक हेक्टेयर के अंदर अगर इसको स्प्रे किया जाए 10% BHC को तो इनको कंट्रोल किया जा सकता है. पॉइंट नंबर 5, 1% एंडोसल्फान, एंडोसल्फान 35 acre में बी स्प्रेड. इसको अगर हम स्प्रे करें, EC बोलते हैं, इसको अगर हम स्प्रे करें तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है. तो इसको कंट्रोल करने के कुछ एक मेथड हैं, अगर ये मेथड हम अप्लाई करते हैं तो इसको कंट्रोल कर पाना मुश्किल नहीं है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट के अंदर बढ़ जाते हैं और जो लिंट की क्वालिटी है उसको लगभग 35% तक गिरा देते हैं. अगर वेरी हाई अमाउंट के अंदर या बहुत लार्ज क्वांटिटी ये अटैक कर देती है तो लगभग 60% लिंट क्वालिटी रिड्यूज हो जाती है, उसको ये पूरा का पूरा ख़राब कर देते हैं. अब इसको अगर हम पिक्चरली देखें, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं एंड के अंदर, हम जो सबसे पहले एग लेइंग किए जाते हैं एग्स अडल्ट के द्वारा, लगभग 70 to 80 एग्स इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर, क्लस्टर की फॉर्म के अंदर होते हैं. जैसे ही 7 डेज बीत जाते हैं, जो एग है इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं मैं, 1.2 mm लेंथ होती है इसकी एग की, जो हमने पढ़ लिया है.
सेवन डेज बीतने के बाद, जैसे इंक्यूबेशन पीरियड बीत जाता है 7 डेज का, तो एक रेड कलर का निम्फ निकल के बाहर आता है। ये रेड कलर का निम्फ है। इसके जो माउथ पार्ट है वो पर्सिंग एंड चीविंग टाइप के होते हैं, सकिंग टाइप के होते हैं, जो सेल सैप को शक करने का काम करता है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये डैमेजिंग स्टेज है। डैमेजिंग स्टेज क्रॉप को पूरा का पूरा डैमेज करने का काम करती है स्टेज। रेड कलर का होता है, अडल्ट से थोड़ा सा डिफरेंट होता है क्योंकि इसके अंदर विंग नहीं होते। विंग इज अब्सेंट, विंग्स आर अब्सेंट। अब ये निम्फ अंडरगो 5 मोल्टिंग, 5 मोल्टिंग होती है इसके अंदर निम्फ से, और धीरे धीरे करके इसके अंदर ये मोल्टिंग 42 से 49 डेज के अंदर ख़त्म हो जाती है। ठीक है, 42 से 49, जैसे इसके अंदर 7 डेज के अंदर इंक्यूबेशन पीरियड था, 42 से 49 इसका मोल्टिंग स्टेज रहेगा। मोल्टिंग स्टेज से ये पूरा का पूरा किसके अंदर चेंज हो जाता है, अडल्ट के अंदर चेंज हो जाता है। और जो अडल्ट है वो लगभग 16 mm मान सकते हो, अबाउट टू 16 mm लेंथ होती है इसकी अडल्ट की। रेड कलर का होता है और इसके विंग्स डेवलप हो जाते हैं, और इसके विंग्स के साथ इसकी जो एब्डोमन है लोअर साइड में, जो इसकी एब्डोमन है उसके ऊपर वाइट पेचेस देखने को मिलते हैं। और फिर वही बात आ जाएगी कि जो यंग अडल्ट मदर होती है वो एग लेइंग करती है कॉटन प्लांट के ऊपर, और जो इसका होस्ट है वो कॉटन प्लांट रहेगा। इसकी लाइफ साइकिल है वो लगभग, लाइफ साइकिल बात करूं मैं, 90 डेज की इसकी लाइफ साइकिल रह सकती है। इसकी लाइफ साइकिल 90 डेज की रह सकती है। जो लाइफ साइकिल है वो डिपेंड करती है इसके होस्ट प्लांट के ऊपर, ये कितना लॉन्ग सर्वाइव कर सकता है। होस्ट प्लांट इसके आ जाते हैं जैसे कि कॉटन है, ओकरा है, होली होक्स है, ठीक है, लेडीज फिंगर है, इनके ऊपर भी ये डेवलप कर जाता है अपनी लाइफ साइकिल को फर्दर बिगन रखता है। तो ये थी पूरी की पूरी लाइफ साइकिल ऑफ डिसड्रेकस सिंगुलेटस, जिसको हम रेड कॉटन बग बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है कोनिजी, ठीक है, कोनिजी, जिसको हम कोनिजी नाम दे रहे हैं। तो ये लाइफ साइकिल, उम्मीद करता हूँ आप समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें।